अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने आयत नंबर 82 तक मुकम्मल किया था, आज आयत नंबर 83 से आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़, और ये याद कीजिए उस वक्त को जब अख़ज़ना, हमने लिया, मीसाककुम, मीसाका, वादा लिया, बनी इसराइल, बनी इसराइल से, हमने बनी इसराइल से वादा लिया, ला ताबुदूना, कि तुम इबादत नहीं करोगे, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह की, यानी अल्लाह के अलावा तुम किसी की इबादत नहीं करोगे। वबिलवालिदैन, और वालिदैन के साथ एहसाना, तुम अच्छा सलूक करोगे, वालिदैन के साथ तुम अच्छा सलूक करोगे। वज़िल क़ुर्बा, क़ुर्बा क़ुर्बत वाले रिश्तेदारों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करोगे। वल्यतामा, यतीमों के साथ, वल्मसाकीना, मसाकीन के साथ भी अच्छा सलूक करोगे। वक़ूलू, और तुम कहोगे, करोगे, लिन्नासी, लोगों के लिए, हुस्ना, अच्छी बात, लोगों के साथ तुम अच्छा रवैया रखोगे, अच्छे तरीके से उनसे बात करोगे। वाक़ीमुस्सलाह, और तुम नमाज कायम करो। वातुज़्ज़का, और ज़कात दो। हमने ये तमाम वादे बनी इसराइल से लिए। सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम फिर गए, इन वादों को तुमने छोड़ दिया। इल्ला क़लीलन मिनकुम, सवाए तुम में से चंद के, यानी बहुत कम लोग तुम में से इन वादों पर कारबंद रहे, वरना इन वादों से फिर गए। व अंतुम मुअरिज़ून, और तुम मुंह मोड़ गए, यानी तुमने उनसे वादों से एराज किया, जानबूझकर उन वादों को छोड़ा, ऐसा नहीं कि तुमसे गलती से वर्जी हुई। भाई, अगली जो आयात है, उन आयात को समझने से पहले एक बात समझनी है। वो बात यह है कि तौरात के अंदर मुख्तलिफ अहकाम थे, उनमें से एक हुक्म ये था कि बनी इसराइल को हुक्म था कि एक दूसरे को कत्ल नहीं करना, एक दूसरे को कत्ल नहीं करना, एक दूसरे को उनके घरों से नहीं निकालना, यानी इलाका बदल नहीं करना, और इसी तरह हुक्म था कि एक दूसरे को कैदी नहीं बनाना। चौथा हुक्म ये था कि अगर कोई यहूदी कैदी बन जाए तो सारे यहूदियों पर लाजिम है कि वो पैसे जमा करके उस यहूदी को आज़ाद करवाएं। अब अगली बात ये समझें कि मदीने के अंदर औस और खजरज के दो बुनियादी कबीले थे जो मुशरिक थे, दूसरी तरफ बड़ी तादाद में यहूद आबाद थे, बनु कुरैजा, बनु नज़ीर, बनु क़ैनुक़ा। तो औस और खजरज आपस में लड़ते रहते थे, सदियों से उनकी लड़ाइयाँ चल रही थी आपस में। यहूद खजरज के साथ दो हिस्सों तकसीम थे, आधे यहूदी औस के साथ थे, आधे खजरज के साथ थे। तो जब औस और खजरज आपस में लड़ते तो यहूदी भी उनके साथ, अपने अपने पार्टनर के साथ मिलकर लड़ते, उनको सूद भी देते, सूद पे कर्जे देते, सूद की कमाई करते उनसे, और वो उन कर्जों के जरिए जंगें करते। ये सारा एक उनका सिलसिला था। यहूदी जब औस और खजरज के साथ मिलते तो यकीनन औस खजरज आपस में लड़ते तो ये भी लड़ते, एक दूसरे का कत्ल भी इनके हाथों होता, एक दूसरे को इलाका बदल भी करते, कैदी भी बना लेते, इन तीनों अहकाम की मुखालफत करते। अलबत्ता जब कैदी वो बन जाता कोई यहूदी तो सारे यहूदी परेशान होते और मिलकर चंदा करते और उस कैदी को छुड़ाते। अल्लाह ताला ने इनसे कहा कि जिस रब ने ये हुक्म दिया है कि कैदी छुड़ाओ, उसी रब ने हुक्म दिया है कत्लो गारत ना करो, उसी रब ने हुक्म दिया है कि कैदी बनाओ नहीं, उसी रब ने हुक्म दिया है कि इलाके से निकालो नहीं। तो तुम वहां पे तो सारा कुछ कर रहे हो और यहाँ आकर तुम बड़े हुक्म के पाबंद हो जाते हो। मालूम ये होता है कि जिस काम में तुम्हें मजा आता है, मजहब का काम, दीन का काम, तुम उसे करते हो, और जो काम तुम्हें अच्छा नहीं लगता तुम उसे नहीं करते। यानी किताब के कुछ हिस्से को मानते हो, कुछ को नहीं मानते। तो कहा कि जो ऐसा करेगा उसके लिए सख्त सजा है। शायद ये आयत मुबारका हमारी जिंदगियों में भी पूरी तरह फिट आ रही है कि हम भी अपनी मर्जी की, मजहब की जिंदगी को बड़ा बढ़ चढ़ कर लेते हैं, उस पर अमल करते हैं, लेकिन जहाँ समाज का मसला और दूसरे तीसरे मसाइल हों वहाँ हम कहते हैं नहीं, यहाँ समाज के साथ चलना है, यहाँ थोड़ी देर के लिए दीन से मादरस। शरीयत तर्जुमा देखिए, वइज़ अख़ज़ना, और याद कीजिए जब हमने मीसाककुम, तुमसे वादा लिया, ला तस्फिकून दिमाकुम, सफक का माना बहाना, ला तस्फिकून दिमाकुम, दिमा खून, तुम एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे। वला तुखरिजूना अनफुसकुम, तुम अनफुसकुम से मुराद अपना आप होता है इज्तमाही एतबार से। तो इज्तमाही एतबार से जब कहा जाए अपने आप तो उसका माना क्या होगा, ला तुखरिजून अनफुसकुम, तुम एक दूसरे को अपने घर से नहीं निकालोगे, मिन दियारिकुम उनके घरों से। सुम्मा अकररतुम, तुमने इकरार किया ये सब अल्लाह के सामने कि हम ऐसा नहीं करेंगे। व अंतुम तशहदून, और तुम इसके गवाह भी हो कि तुमने ये इकरार किया था। सुम्मा अंतुम, फिर अंतुम तुम हो, हाउला ये लोग, यानी तुम ही हो वो लोग, तक़तलून अनफुसकुम कि एक दूसरे को कत्ल करते हो। वतुखरिजूना, और निकालते हैं, फरीकन तुम निकालते हो, फरीकन एक गिरोह को, मिन दियारिकुम उनके घरों से, यानी तुम अपने में से एक गिरोह को उनके घरों से भी निकालते हो। तज़ाहरूना, तुम मदद करते हो, अलैहिम उनके खिलाफ, बिल इस्मी गुनाह के जरिए, वल उद्वानी और ज्यादती के जरिए, यानी तुम अपने ही भाइयों के खिलाफ गुनाह और ज्यादती करके दूसरों की गैरों की मदद करते हो। वहीं यातूकुम मुसारा, वहीं यातूकुम, और अगर यातूकुम वो तुम्हारे भाई तुम्हारे पास यातूकुम मुसारा, अगर वो तुम्हारे पास हैं कैदी बनकर, तुफादूहुम तो तुम उन्हें फिदिया देकर छुड़ाते हो, तुफादूहुम तुम उन्हें फिदिया देकर छुड़ाते हो। वहुआ हालांकि मुहर्रमुन हराम था, अलैकुम तुम पर, इखराजुहुम उन्हें घर से निकालना, हालांकि तुम पर हराम था उन्हें घरों से निकालना। अफतुमिनूना, क्या तुमिनूना तुम ईमान लाओ बाज़िल किताबी किताब के कुछ हिस्से पर, व तकफुरूना और तुम इनकार करते हो बिबाज़ किताब के बाकी हिस्से का, यानी कुछ किताब पर ईमान लाते हो कुछ पर ईमान नहीं लाते। फमा जज़ाऊ, बस क्या है बदला, फमा जज़ाऊ क्या है बदला, मैं यफ़अलु जो करे, ज़ालिका ऐसा, यानी जो काम जो बंदा ऐसा काम करे किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाए कुछ पर ना लाए, तो उसका क्या बदला है, उसको क्या बदला देना चाहिए। मिनकुम तुम में से, इल्ला सवाए खिज़्युन रुस्वाई के, फिल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी में, यानी ऐसे आदमी का बदला यही होना चाहिए तो उसे दुनिया की जिंदगी में रुस्वा कर दिया जाए। वयौमल क़ियामत, और क़ियामत के दिन, युरद्दूना इन्हें लौटाया जाएगा, इला अशद्दिल आज़ाब सख्त तरीन आज़ाब की तरफ, यानी क़ियामत के दिन इनको सख्त तरीन आज़ाब दिया जाएगा। वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन, अल्लाह गाफिल नहीं बेखबर नहीं, अम्मा उससे तामलून जो तुम कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो वो सब अल्लाह के इल्म में है, तो तुम्हें इसका बदला जरूर दिया जाएगा। उलाइका यही है वो लोग, अल्लज़ीना जिन्होंने, इश्तरबू खरीद लिया है, अल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी को, बिल आखिरती आखिरत के बदले में, दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले में खरीद लिया है। मुराद ये है कि इन्होंने आखिरत की परवाह छोड़ दी है, बस दुनिया की इन्हें परवाह है कि दुनिया में ऐसे जीना है तो वो वैसे जीना है, बस उसी की फिक्र है, आखिरत की कोई फिक्र नहीं। फला युखफ़फ़ू, युखफ़फ़ू तखफीफ से कम करना, ला युखफ़फ़ू अन्हुमुल आज़ाब इनसे आज़ाब कम नहीं किया जाएगा, वला हुम और ना ही युनसरून इनकी मदद की जाएगी। वलक़द आतैना बिला शुबा आतैना हमने अता की मूसा मूसा को अल किताब किताब, व कफ़ैना और हम ने भेजा, मिन बादिही कफ़ैना का माना होता है एक के पीछे दूसरा, वक़फ़ैना वक़फ़ैना इसको कहते हैं पै दर पै मुसलसल भेजना, वक़फ़ैना मिन बादी बिर्रसुल और मूसा के बाद हमने पै दर पै कई रसूल भेजे। व आतैना ईसा और हमने ईसा बिन मरियम को अता किया, अलबय्यिनाति रोशन दलाइल वाज़े दलाइल मोजज़ात दिए, ऐसे मोजज़ात जो उनकी अनियत को साबित करने के लिए काफ़ी थे। व आतैना ईसा बिन मरियम अलबय्यिनात वायदना और हमने उनकी मदद की, बिरूहिल कुदुस रूहुल कुदुस के जरिए, यानी रूहुल कुदुस से मुराद जिब्रील हैं, जिब्रील को ख़ास तौर पर मुकर्रर किया कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहें क्योंकि यहूद उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, तो हमने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हर वक्त जिब्रील को रखा। आफाकुल्लमा, क्या कुल्लमा जब भी, जाकुम तुम्हारे पास आता है रसूल बिमा ला तहवा ऐसी बात लेकर ला तहवा के पसंद नहीं करते अनफुसुकुम तुम्हारे जी, यानी जो बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती। जब भी कोई रसूल ऐसी बात लेकर आता है जो बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती, इस तकबर तुम तो तुम अकड़ने लगते हो, तुम गुरूर तकब्बुर करते हुए मुकाबले में आते हो। क्या वजह है, ऐसा क्यों है कि जब भी कोई रसूल तुम्हारे पास वो बात लेकर आता है जो तुम्हें पसंद नहीं, तो तुम उसके मुकाबले में अकड़ने लगते हो। फफरीकन बस एक गिरोह, अंबिया का एक गिरोह कज़ब तुम उन्हें तुमने झुटलाया, व फरीकन और एक गिरोह अंबिया का तख्तलून तुम कत्ल करते रहे, यानी अंबिया के कुछ अफराद को तुमने कत्ल किया और बाकी अंबिया को तुमने झुटलाया। वकालू और ये कहते हैं, ये यहूदी कहते हैं, कुलूबुना गुल्फ हमारे दिल गुल्फुन गिलाफ में है। ये उसका माना ये लेते कि हमारे दिल अल्लाह ने बड़े महफूज बनाए हैं, गलत बात हमारे दिलों में नहीं जा सकती। कहना ये चाहते मुसलमान कि हम तुम्हारी बात इसलिए कि हमें अल्लाह ने दिल ऐसे दिए हैं कि उनमें गलत बात नहीं जाती, और तुम्हारे दीन की बात नौजुबिल्ला चूंकि गलत है इसलिए वो हमारे दिल में जाती नहीं और हम उस पर अमल करते नहीं। हम कहते ये थे गुल्फ हमारे दिल गिलाफ में। अल्लाह ने कहा नहीं, बल बात ये नहीं है, बल्कि लानहुमुल्लाहु अल्लाह ने इन पर लानत भेज दी है। लानत का माना होता है रहमत से दूर करना, हिदायत रहमत है। लानहुमुल्लाहु अल्लाह ने इन पर लानत भेज दी है कुफ्रिहिम इनके कुफर की वजह से, यानी इनके दिल महफूज नहीं है बल्कि इनके कुफर की वजह से इनकार है कि रहमत से महरूम कर दिए गए। लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फक़लीलन बहुत थोड़े हैं ये बाकी सारे रहमत से महरूम है। वलम्मा और जब जाअहुम इनके पास आई, यानी कुरान करीम जब इनके पास अल्लाह की तरफ से किताब आ गई मुसद्दिक़ुन वो किताब तस्दीक करती है तस्दीक कर पास, यानी है तो इनके पास जैसे मैंने अर्ज किया था वो वक़्त से पहले, यानी कुरान करीम के आने से पहले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले यस्तफ्तिहूना फतह मांगा करते थे अलल्लज़ीना कफरू काफिरों के खिलाफ। बात यह है कि औस और खज़रज की जब लड़ाइयाँ होती तो यहूद की भी इनके साथ लड़ाइयाँ पर आने वाला है, आखिरी पैगम्बर आने वाला है, उसके साथ मिलकर तुम पर गालिब आ जाएंगे। यानी फतह मांगा कर थे अल्लाह से आखिरी पैगम्बर के जरिए, मुतमन्नी बैठे हुए थे, इंतजार में बैठे हुए थे। जब पैगम्बर आ गया तो दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। वह कानू मिन कबलू हालांकि फरूक के खिलाफ फतह मांगा करते थे। सारी वो चीज जिसे ये पहचान है, जिसे ये पहचानते हैं, कुरान आगे चलकर कहेगा कि ये पैगंबर को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं, यानी इन्हें किसी किस्म का तरद्दुद और जानते हैं कफर उठा दिया। फलानतुल्लाही की लानत हो अभी वो चीज इश्तरौ बिही वो कीमत बहुत बुरी है। इन्होंने बेच दिया है और दीन को छोड़ दिया है। इन्होंने इनकार है बिमा उस किताब का, उस कलाम का, अनज़ल अल्लाह जो अल्लाह ने नाजिल किया है। अब अल्लाह की किताब का इन्होंने इनकार क्यों किया है? क्या इस वजह से कि इनकी किताब उस पर सादिक नहीं आई? नहीं, बल्कि बगयन महज जिद की वजह से। जिद क्या है? अल्लाह में क्यों नहीं आए, बनु इस्माइल में क्यों आए, इसलिए हमने नहीं मानना। तो अल्लाह उसका जवाब दे रहे हैं, क्या अल्लाह तुमसे पूछ के पैगम्बर भेजेगा किस में भेजूं? ये तो अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह कहाँ पैगम्बर भेजना चाहता है। ठीक है, अल्लाह कि अल्लाह नाजिल करता है मिन फजलिही अपना फजल अला मन यशाऊ जिस पर चाहता है, मिन इबादी अपने बंदों में से, यानी अल्लाह अपने बंदों में से जिस बंदे को अपने फजल से नवाजना चाहता है, यहाँ फजल से मुराद नबूवत है, नबूवत देना चाहता है वो देता है। वो इंसानों का पाबंद नहीं कि इंसानों से पूछकर इंसानों की मर्जी और मंशा के मुताबिक पैगम्बर बनाए। फबाऊ बिगदबिन अला गदब, बाऊ बिगदब ये गजब लेकर लौटे, अला गजब गजब पर गजब, यानी ये दोहरे गजब के हकदार हुए। वदिल काफिरीना और काफिरों के लिए अजाबुन अजाब है ऐसा अजाब, मुहीन जो उनकी तोहीन करेगा, इहानत आमेज अजाब होगा जो उन्हें जलील और रुसवा करेगा। वइज़ा क़ील लहुम और जब क़ील लहुम कहा जाता है, लहुम इनसे, आमीनू ये अमर है, ईमान लाओ, बिमा उस किताब पर अंजल अल्लाह जो अल्लाह ने नाजिल की है। कालू तो ये कहते हैं, नुमनु हम ईमान लाएंगे, बिमा उस पर, उनजिला अलैना जो हम पर नाजिल की गई, यानी हम अपनी किताब तौरात पर ईमान लाएंगे। वयकफुरूना और ये इनकार करते हैं, बिमा उन किताबों का, उस किताब का, वराहू जो उसके अलावा है, जो उससे हटकर है, यानी इंजील पर भी ईमान नहीं लाते, कुरान हकीम पर भी ईमान नहीं लाते। वहुवल हक़ हालांकि ये किताब यानी कुरान सच है, बरहक है, मुसद्दिकन तस्दीक भी करता है, लिमा उस किताब की माहूम जो इनके पास है, यानी हालांकि ये कुरान तौरात की तस्दीक भी करता है और जो तौरात की पेशन गोई है वो खुद इस कुरान के हक में साबित हो चुकी है। कुल अल्लाह कह रहे हैं कि ये दर हकीकत तौरात पर ईमान नहीं रखते। वो कैसे? कुल इनसे कहिए, फलिमा, लिमा का माना क्यों, तक़तलूना तुम कत्ल करते रहे, अम्बिया अल्लाह के अम्बिया को, मिन क़ब्लू इससे पहले, इन कुंतुम अगर तुम मुमिनीन ईमान रखते हो। अल्लाह कह रहे हैं कि इनसे पूछो कि ये अम्बिया को कत्ल करते रहे, तो क्या तौरात ने कहा था कि अम्बिया को कत्ल करो? तो जब इन्होंने तौरात की नहीं मानी तभी अम्बिया को कत्ल किया। तो खुलासा ये कि ये कहते तो यही है कि हम तौरात पर ईमान रखते हैं और हकीकत ये है कि इनका ईमान तौरात पर भी नहीं। वलक़द जाअकुम बिलाशुबा जाअकुम तुम्हारे पास लाए मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम बिलबय्यिनाति मोजज़ात, तुम्हारे पास मूसा मोजज़ा लेकर आए थे, तुम तो मूसा पर भी सही ईमान ही रखते। सुम्मा फिर इत्तख़ज़्तुमुल इजला तुमने बछड़े को खुदा बना लिया था, मिन बादिही मूसा के दलीलें लाने के बाद, यानी मूसा किताब लाए और उधर तुमने बछड़े को खुदा बना लिया। तो मालूम यह हुआ कि तुम मूसा पे भी ईमान नहीं रखते। व अंतुम ज़ालिमून और तुम जालिम थे, तुमने अपने ऊपर जुल्म किया। व इज़ याद करो उस वक्त हो जब अखदना मीसाककुम हमने तुमसे वादा लिया, व रफ़अना और हमने बुलंद कर दिया फौककुम तुम्हारे ऊपर अतूर अतूर पहाड़ को। ये पीछे भी आया कि जब इन्होंने नाफरमानी की तो अल्लाह ने कोई तूर इनको बुलंद कर दिया और इनसे कहा कि मानते हो कि नहीं मानते? इन्होंने कहा हम मानते हैं। खुदू और तुम्हें कहा कि पकड़ लो, मा आतैनाकुम जो हमने तुम्हें दिया है, बिकुव्वतिन मजबूती के साथ, वस्माऊ और सुनो, वस्माऊ और सुनो, यानी सुनो और ईमान लेकर आओ, बात मानो। वस्माऊ और सुनो उस वक्त हमने तुम्हें कहा। कालू तो इन्होंने कहा समेना हमने सुन तो लिया है, वासईना लेकिन हमने नाफरमानी की, यानी हमने सुन तो लिया है लेकिन बात मानी नहीं, हम नाफरमानी करेंगे। व उशरिबू, उशरिबू का माना वैसे तो यह कि पिला दिया गया, यहाँ उशरिबू का माना रच बस गई, फी कुलूबिहिम इनके दिलों में, अल हिजला बछड़ा, यानी बछड़े की मोहब्बत इनके दिलों में रच बस गई थी, बिकुफ्रिहिम इनके कुफ्र की वजह से, यानी इंसान की नाफरमानी की वजह से, गुनाह की वजह से उसको गुनाह अच्छे लगने लगते हैं, कुफ्र की वजह से कुफ्रिया बातें अच्छी लगने लगती हैं। कुल आप कह दीजिए, बिसमा यामुरुकुम, बिसमा बहुत बुरी है वो चीज, यामुरुकुम बिही जिसका हुक्म देता है तुम्हें, ईमानुकुम तुम्हारा ईमान, इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम ईमान रखते हो, यानी बड़े दावे करते हो ना कि हमें तौरात पर ईमान है हमारा, हम बस तौरात पर ईमान जाएंगे, तो अल्लाह ने उनके इस दावे की भी कली खोल दी, कहा कि ये तुम्हारे करतूत हैं, तो अगर तुम्हारा ईमान ये है तो फिर तुम्हारा ईमान तुम्हें बहुत बुरे कामों का हुक्म देता है। कुल आप कहिए, अबू कहते थे कि आखिरत में तो मजे हमारे होंगे, हम अगर बिलफर्ज जहन्नम में चले भी गए तो चंद दिन के लिए आएंगे, फिर हम दायमी जन्नत में रहेंगे, जन्नत के मजे लेंगे। तो इन्हें कहिए, इन कानत अगर लकुम तुम्हारे आखिरत खालिसतन इंदल्लाही अल्लाह के हां, खालिसतन सिर्फ तुम्हारे लिए है, बिंदु निन्नासी बाकी लोगों को छोड़कर, यानी अगर तुम्हारा दावा ये है कि आखिरत का घर सिर्फ तुम्हारे लिए है, आखिरत में सिर्फ तुम ही रहोगे और किसी को जन्नत नहीं मिलेगी, तो फिर फतमन्नबुल मौत, तुम मौत की तमन्ना करो, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। अल्लाह खुद उसके जवाब में कह रहे हैं, वलन यतमन्नऊ अबदन, लन यतमन्नऊ हरगिज ये मौत की तमन्ना नहीं करेंगे अबदन कभी भी, क्यों, बिमा कद्दमत ऐदीहिम, बिमा बसबब उसके, कद्दमत जो आगे भेजा है, ऐदीहिम इनके हाथों ने, यहाँ कद्दमत ऐदीहिम से मुराद है इनके आमाल, जो इन्होंने बदअमलियां कर रखी हैं, जो नाफरमानियां कर रखी हैं, वो चूंकि आगे जा रही हैं, आगे चलकर हर अमल का हिसाब किताब मिल रहा है, तो इनके आमाल जो आगे पहुंच गए हैं अल्लाह के पास, क्योंकि हर अमल इंसान का आगे जा रहा है, ठीक है, तो उनकी वजह से ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। वल्लाहु अलीमुन और अल्लाह खूब अच्छी तरह जानता है बिज़ालिमीन, जालिमों को, और तारीख गवाह है कि कुरान ने इतना वाज़े चैलेंज किया और किसी यहूदी ने मौत की तमन्ना नहीं की, क्योंकि उनको मालूम था ये किताब सच्ची है, अगर मौत की तमन्ना की तो सच में मौत आ जाएगी। वला तजिदन्नहुम, यहूद अपने आप को सुपीरियर कहते थे कि देखो हम अहले किताब है, हम हमारे पास किताब है, चलते हैं, मुशरिकीन को दीगर को बड़े दर्जे का काफिर बताते थे कि भाई ये तो काफिर है, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं, तो अल्लाह ने अब कंपैरिजन किया है इनका, तो मुशरिकीन के साथ कंपैरिजन किया है। आप जरूर इन्हें पाएंगे अहरसन्नासी अला हया, कि ये लोगों से ज्यादा जिंदगी के हया, जिंदगी के अहरस लालची हैं, हरीस का इसमें तफजील है, ये अहरस, अहरसन्नासी सब लोगों से ज्यादा जिंदगी के हरीस ये खुद हैं, आप इनको देख लेंगे। वमीनल्लज़ीना उन लोगों से भी ज्यादा अशरकू जो मुशरिक हैं, यानी ये मुशरिकों से भी पढ़ने दर्जे के काफिर हैं कि ये उनसे ज्यादा इस दुनिया की जिंदगी के हरीस हैं। यवद्दू चाहता है अहदुम इनमें से एक एक, लऊ युअम्मरू लऊ के काश, युअम्मरू उसको उम्र मिल जाए, अल्फ सनातिन 1000 साल की, कहा कि जिंदगी के इतने हरीस हैं, इतने रसियां हैं ये दुनिया की जिंदगी के, इन्हें आखिरत से कोई सरोकार नहीं है, कि ये तो चाहते हैं कि इनको 1000 साल की जिंदगी इस दुनिया में मिल जाए, लेकिन इन्हें कहिए मा हुआ बिमुज़ाहज़िही, मा हुआ कि वो नहीं है, बिमुज़ाहज़िही इनको हटाने वाली, मिनल अज़ाबी अज़ाब से, अन युअम्मरा क्या, युअम्मरा ज्यादा उम्र मिल जाना, यानी लंबी उम्र इन्हें अजाब से नहीं हटा सकेगी, ये 1000 साल क्या 10,000 साल भी यहाँ जी ले, आखिरत में फिर इनके लिए अजाब ही अजाब है, तो लंबी उम्र का मिल जाना इनको अजाब से दूर नहीं कर सकता। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून और जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उससे अच्छी तरह देख रहा है, अल्लाह सब देख रहा है जो कुछ ये कर रहे हैं। आज का सबक यहीं तक रखें, इंशाअल्लाह कल हम अगले रुकू से और आयत नंबर 97 से आगे शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। से